हमने अनुभव से सीखा है कि एक स्थिति में परमेश्वर की सामर्थ को काम करने देने के लिए विश्वास में परमेश्वर के वचन की घोषणा करने की तुलना में और अधिक प्रभावी तरीका कोई नहीं है। वास्तव में मैंने लोगों को कई बार कहा है, मुझे संदेह है यदि हम घोषणा के इस हथियार का उपयोग करना नहीं सीखा होता तो आज यहाँ मैं या रूथ शायद जिंदा होते। हम दोनों विभिन्न समयों पर एक तथ्य के रूप में गंभीर बीमारी के दौर से गुजरे हैं। मैं किसी बात से ग्रस्त हो गया या मुझ पर कुछ आघात हुआ जो कि सामान्य रूप से घातक है, लेकिन यहाँ मैं आज हूँ और डॉक्टरों का धन्यवाद और परमेश्वर का और सुसमाचार की शक्ति के लिए धन्यवाद कि मैं जीवित हूँ और अच्छी तरह से हूँ और परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। तो आज सुबह हम यशाया 55 अध्याय पद 10 11 से एक भाग की घोषणा करने जा रहे हैं जो इस श्रृंखला में बहुत ही उपयुक्त है जिस पर हम विचार करने वाले हैं। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वह यूं ही लौट नहीं जाते वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। आमीन। अब इस प्रथम संदेश का शीर्षक है चट्टान पर स्थापित, और प्रारंभ करने के लिए हम इसी पर विचार करने वाले हैं। बाइबल अच्छी शिक्षा का एक आदर्श है और यह शिक्षा के विभिन्न सिद्धांतों पर चलता है। विशेष तौर पर एक यह है कि आप लोगों की ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाए। अभी भी आप अज्ञात से प्रारंभ न करें, परंतु आप ज्ञात से प्रारंभ करें और आप वहाँ से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। इसलिए बाइबल का एक तरीका बहुत ही सामान्य परिचित दैनिक अनुभवों और गतिविधियों से लेना और उनके आत्मिक अर्थ देना है। कई उदाहरण हैं। बाइबल बीज बोने वाले एक किसान के बारे में, जाल में मछली पकड़ने वाले एक मछुआरे के बारे में बोलती है। यह अपना कवच पहनने वाले एक सैनिक के बारे में बोलती है, और फिर एक बिल्कुल ही भिन्न संदर्भ में यह अपनी शादी के लिए खुद को तैयार करने वाली एक दुल्हन के बारे में बोलती है। यह सब इस सिद्धांत से कुछ ही उदाहरण है, लेकिन वहाँ विशेष रूप से परिचित गतिविधियाँ जिस पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ वह एक इमारत के निर्माण की है। और मुझे लगता है कि बाइबल के किसी भी अन्य चित्र की तुलना में इसका कम से कम कई बार प्रयोग गया है। इसलिए हम सबसे पहले यहूदा की पत्री पद 20 और 21 देखने जा रहे हैं, जो कि विश्वासियों के रूप में हमारे लिए एक प्रोत्साहन है। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। ऐसे पद है जो बताते हैं कि हम अवश्य ही अपने पवित्र विश्वास में स्वयं को बढ़ाना चाहिए। यह एक तरीका है जिसमें घर का या रूपक लागू होता है। अपने आप का निर्माण करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। और तब इफिसियो अध्याय 2 पद 21 और 22 में वचन प्रभु में एक पवित्र मंदिर के बारे में बताता है, तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। तो यह एक मसीह सामूहिक समुदाय के बारे में बताती है जो परमेश्वर के रहने के लिए
पवित्र आत्मा में एक साथ हम बनाए जाने वाले हैं। और तब पहला पत्रस दूसरा अध्याय 4-5 में यीशु को जीवित पत्थर कहते हुए पत्रस कहता है, उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया परंतु परमेश्वर ने निकट चुना है और बहुमूल्य जीवता पत्थर है, तुम भी आप जीवते पत्थर की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हो। तो यहाँ हमने प्रत्येक की तुलना जीवित पत्थर से होती है, जिन्हें एक साथ एक पवित्र मंदिर के रूप में बनाया जाता है, जिसमें प्रभु रहने वाला है। तब प्रेरितों के 20 अध्याय में से एक अंतिम उदाहरण, इफिसुस के प्राचीनों से पौलुस की विदाई, जिन्हें यह विशेष रूप से प्रेम करता था, क्योंकि इफिसुस में ही शायद उसकी सेवा का सबसे अधिक प्रभाव हुआ था। और प्रेरितों के 20 अध्याय में इस उपदेश में वह विदाई ले रहा है और वह उनसे कह रहा है कि वे फिर कभी इस जीवन में उसे नहीं देखेंगे। यह उन सब के लिए बहुत ही भावनात्मक स्थिति थी। और प्रेरितों 20 में पद 32 की यह बात वास्तव में अंतिम बात थी जो वह उन्हें देख जानना चाहता था। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करके मीरास दे सकता है। तो यहाँ पौलुस कहता है कि मुख्य माध्यम जो बनाता है वह परमेश्वर के अनुग्रह का वचन बाइबल है। और वह कहता है कि यह हमें बनाने और उन सब में एक मीरास देने में सक्षम है जो यीशु मसीह में विश्वास के कारण उसके लिए अलग किए गए हैं। अब मैं एक बिल्डर नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक बात पता है, किसी भी स्थायी इमारत में चाहे वह ईंट या पत्थर या कंक्रीट या यहाँ तक कि लकड़ी का बना हुआ हो, उसका महत्वपूर्ण क्षेत्र नींव होता है। और विशेष रूप से बाइबल इस पर बात करता है और यहाँ हम में से हर एक के लिए बहुत ही महत्व का एक मुद्दा है, यह सही नींव का होना है, क्योंकि नींव उस पर बनाए जा सकने वाले भवन का आकार और वजन दोनों की सीमा तय करता है। मसीह जीवन में यह सच है, आप अपनी नींव की सीमा से बाहर जाकर अधिक सफल मसीही जीवन का निर्माण नहीं। यह महत्वपूर्ण मुद्दा है, आपकी नींव क्या है, क्या आपने सही नींव रखी है? अब केवल एक ही आधार है जो पर्याप्त और काफ़ी है और यह सभी के लिए पर्याप्त है, और यह एक व्यक्ति है, व्यक्ति यीशु मसीह है। और पौलुस कुरिन्थ के मसीहों को लिखते हुए पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 में 2 रूपकों का उपयोग करता है, उसके ऋषि रूपक का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बाद वह इमारत के रूपक पर चला जाता है और वह पद 9 में कहता है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं और हम परमेश्वर के साथ कार्य कर रहे हैं, तुम परमेश्वर की खेती या कृषि संबंधी रूपक है और परमेश्वर की रचना हो या निर्माण संबंधी रूपक है। तब वह इस रूपक पर आगे बात करता है, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नेव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखा है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। अब पौलुस कहता है कि मसीही जीवन का केवल एक ही आधार है और यह यीशु मसीह स्वयं है, और जो कुछ भी उस नींव पर निर्मित नहीं है
वह परीक्षण की कसौटी पर खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम में से हर एक आकलन करे कि हमारे जीवन किस पर बनाए गए हैं। क्या हम वास्तव में प्रभु यीशु मसीह पर बनाए जाते हैं? क्या हम यीशु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध और उसका व्यक्तिगत ज्ञान रखते हैं जो हमें व्यक्तिगत रूप से उससे संबंधित करने के लिए सक्षम बनाता है? यीशु ने नींव रखने का यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए मैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ समय लेना चाहता हूँ कि हम कैसे यह नींव डाल सकते हैं, अर्थात हमारे जीवनों में यीशु की नींव। और मैं आप में से प्रत्येक को आमंत्रित करना चाहूँगा स्वयं के जीवन, अपने आध्यात्मिक हालात और अपने आध्यात्मिक अनुभव की जांच करें कि आप नींव के साथ अपने रिश्ते में वास्तव में सही है या नहीं। कुछ मूल शिक्षाओं के लिए मैं मत्ती 16 अध्याय पद 13 पढ़ना चाहूँगा और आगे के पदों में यीशु अपने शिष्यों से बातें कर रहा है और वो कहता है, यीशु कैसरिया फिलिपी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगे कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं और कितने एलिया और कितने इर्मया या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। तब वो उसे बहुत ही व्यक्तिगत बनाता है। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पत्रस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यह पत्रस के जीवन में और संपूर्ण मसीही इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पत्रस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलिसिया बनाऊँगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। यीशु पत्रस के साथ इस मुलाकात का उपयोग यह स्थापित करने के लिए करता है जिसमें हम स्वयं मसीह में ही नींव डाल सकते हैं। सबसे पहले मुझे कुछ शब्द पर टिप्पणी करने की ज़रूरत है जिनका उपयोग किया गया है। पद 18 में यीशु कहता है, तू पत्रस है और यूनानी में पेट्रोस है और इस पत्थर पर यूनानी पेट्रा है, मैं अपनी कलिसिया बनाऊंगा। अक्सर यह सुझाव दिया गया है कि पत्रस कलिसिया की नेव है। मुझे आपसे कहना है कि यदि ऐसा होगा तो यह एक लड़खड़ाने वाले भवन होगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद यीशु ने उसे डांटा और कहा, शैतान मुझसे दूर हो। बाद में भी उसने प्रभु को 3 बार इनकार किया और यहाँ तक कि पुनरुत्थान के बाद अपने साथी यहूदियों से भय के कारण सुसमाचार की सच्चाई से समझौता करने पर पौलुस उसे डांटता है। इस भाग से वास्तव में जो संदेश बाहर निकलता है और जो कि यूनानी नया नियम में जो कि मूल अनुवाद है बहुत स्पष्ट है, तू पत्रस पेट्रोस है और इस चट्टान पेट्रा पर मैं अपनी कलिसिया बनाऊंगा। अब यूनानी में पेट्रोस का अर्थ होता है पत्थर या सबसे अधिक हुआ तो कंकड़, उससे बड़ा कुछ भी नहीं। आम तौर पर यह ऐसा पत्थर होता है जिसे लोग किसी भी पर मारने के लिए उठाते। दूसरी ओर पेट्रा का अर्थ होता है दांतेदार पत्थर जो आधार से फैली हुई है। अक्सर इसका उपयोग चट्टान या उसी स्तर के किसी बात के लिए किया जाता है, परंतु याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मूल चट्टान का हिस्सा है। मूल चट्टान क्या है? यह बिल्कुल वही है जिसमें से होकर पत्रस गुजर रहा था। यीशु की पहचान कि वह कौन है केवल पवित्र आत्मा द्वारा
प्रकट की जाती है। कोई यीशु को नहीं जान सकता कि वह वास्तव में कौन है जब तक कि पवित्र आत्मा द्वारा पिता परमेश्वर आप पर यह प्रकट न करे। तो यही पेट्रा है, यह चट्टान है जिस पर अवश्य ही मसीही विश्वास आधारित होना चाहिए। यह एक व्यक्तिगत मुलाकात और यीशु का व्यक्तिगत दर्शन होता है, बढ़ई के पुत्र के रूप में नहीं, ऐतिहासिक पात्र के रूप में नहीं, परंतु परमेश्वर के अनंत असुरजित पुत्र के रूप में। यदि हम चट्टान पर बनाने जा रहे तो हमें इसी बिंदु पर आना है, वह अवश्य ही हमारे भी अनुभव में होना चाहिए जिसमें से होकर पतरस गुजरा। कई बार मैंने लोगों से कहा है कि हो सकता है कि आप एक कलीसिया में शामिल हो जाए, आप धार्मिक संस्कार स्वीकार कर ले, आप एक प्रार्थना करें और नहीं बदले। यीशु से मुलाकात करने के बाद कोई भी बिना बदले नहीं रहता है। तो हम में से प्रत्येक को पूछने की ज़रूरत है, क्या मैंने कभी भी प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन बदलने वाली। मैं आपको चार चरणों के बारे में बताना चाहता हूँ जिसमें से होकर पतरस इस मुठभेड़ में गुजरा। सबसे पहले आमना सामना, यीशु और पतरस ने आमने सामने मुलाकात की। कोई मध्यस्थ नहीं, कोई याजक नहीं, उन दोनों के बीच में कोई नहीं था। यह यीशु से एक सीधा व्यक्तिगत सामना था और यही हमें भी करने की आवश्यकता है। एक अन्य स्थान पर यीशु ने कहा, द्वार मैं ही हूँ, यदि कोई भी व्यक्ति प्रवेश करता है तो वह बचाया जाएगा। परमेश्वर के राज्य के लिए केवल एक ही रास्ता है और वह द्वार में से है। और दरवाज़ा कोई कलीसिया नहीं है, यह एक सिद्धांत नहीं है, यह यीशु है, द्वार मैं हूँ। दूसरी बात, आमना सामना के बाद प्रकाशन आता है, परमेश्वर पिता की ओर से पवित्र आत्मा द्वारा दिया गया एक प्रकाशन। यीशु ने कहा, मांस और लहू ने यह बात तुझ पर प्रकट नहीं की है, आप अपनी स्वाभाविक इंद्रियों के द्वारा इस पर नहीं पहुंच सकते हैं, इसके लिए प्रकाशन ही चाहिए। पुनः यह अनिवार्य है, बिना व्यक्तिगत प्रकाशन के कोई भी यीशु को नहीं जान सकता है, क्योंकि यह सच है, क्योंकि वह सच में अपने परमेश्वर के अनंत पुत्रत्व में है। आप धर्म विज्ञान के अध्ययन कर सकते हैं, आप किसी बाइबल कॉलेज जा सकते हैं, यहाँ तक कि आप सेवक भी बन सकते हैं, परंतु बिना यीशु के इस व्यक्तिगत प्रकाशन के आप उसे नहीं जान सकते। और यह प्रकाशन पिता परमेश्वर की ओर से पुत्र यीशु मसीह के द्वारा आता है। मुझे आपसे पूछना है, प्रतिक्रिया मत दीजिए, लेकिन क्या यीशु के साथ आपकी यह व्यक्तिगत मुठभेड़ हुई है? 50 से अधिक वर्षों पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेना के बैरक में मध्यरात्रि के दौरान मेरा सामना यीशु के साथ हुआ। मुझे कोई भी सुसमाचारीय भाषा नहीं आती थी, मैं कह नहीं सकता था कि मैं बचाया गया हूँ या नया जन्म पाया हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बदल गया था, मौलिक और स्थायी रूप से बदल गया था। मुझे आपसे कहना है कि मैं अब भी सिद्ध नहीं हूँ, लेकिन मैं बेहतर के लिए बदल गया था। तो फिर इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि पवित्र आत्मा हमें क्या दिखाता है। हमें कहना है, हाँ मुझे विश्वास है, मैं प्राप्त करता हूँ। हमें किसी तरह की प्रतिक्रिया दिखाना है, यह स्वतः नहीं, हमारे भीतर जो कुछ हो रहा है उसके लिए इसकी आवश्यकता है। और चौथा, यीशु ने हमारी आस्था सार्वजनिक अंगीकार किया जाना चाहिए। यीशु पतरस को इसी बिंदु पर लेकर आया था, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसने इसे सार्वजनिक कर दिया। लोग गुप्त विश्वासियों के बारे में बोलते हैं, और मैं स्वीकार करता हूँ कि गुप्त विश्वासी
होते हैं, विशेषकर उन देशों में है जहाँ अपने आप को विश्वासी मानना मौत के मुंह में डालना होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्थायी रूप से एक गुप्त विश्वासी बने रह सकते हैं। मुझे आपके सामने पढ़ने दे मत्ती अध्याय 10 32 33 में यीशु ने क्या कहा, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। तो यीशु अपने विशिष्ट रीति में आपके सामने तीन विकल्प नहीं रखता है, कोई दो चुनो, या तो आप अंगीकार करें या फिर इनकार। अगर आप एक उपयुक्त स्थिति में कबूल करने में असफल होते हैं तो आप इनकार कर रहे हैं। इसलिए कुछ बिंदु पर हम में से प्रत्येक एक जगह है जहां हम खुले तौर पर हमारी आस्था में प्रभु यीशु मसीह स्वीकार करते हैं और करने के लिए आ गए हैं, और ये कईयों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। सेना में रहते हुए विश्वास में आने के बाद मैंने पाया कि सबसे अच्छा काम है जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं, तभी लोगों को बता दें कि आप कहाँ खड़े हैं, तो फिर आपको कभी बाद में कहना नहीं पड़ेगा, अरे हाँ मैंने आपको पहले नहीं बताया, परंतु तो मैंने कुछ ऐसा किया जिसे धार्मिक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब भी मैं बैरक में होता तो अपने कमरे में हर रात बिस्तर के पास नीचे घुटनों पर आता और प्रार्थना करता। इस प्रकार के व्यक्ति के साथ है और ये बहुत आसान था। मैंने अन्य मसीहों को देखा जो गपशप करते थे और सीधे सीधे नहीं कहते थे कि वे विश्वास करते हैं, और बाद में वापस जाकर अंगीकार करना अधिक कठिन होता। तो मैं आपको यह सलाह देना चाहता हूँ, आपको गली के मोड़ पर खड़े होकर प्रचार नहीं करना है, आपको एक प्रचारक भी नहीं बनना है। आप एक गृहिणी हो सकती हो, आप एक छात्रा हो सकती हो, परंतु आप जहाँ कहीं भी है लोगों को जानने दे कि आप यीशु में विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर का पुत्र है। तो मुझे इस मुलाकात के उन चार चरणों के दोहराने दे जो कि बहुत ही आधारभूत है, क्योंकि इसी प्रकार हम व्यक्तिगत रूप में अपने जीवनों में यीशु की नींव रखते हैं। सबसे पहले वहाँ एक मुलाकात थी, दूसरा वहाँ था एक परमेश्वर पिता के द्वारा पवित्र आत्मा के माध्यम से प्रकाशन, तीसरा पत्रस ने एक अंगीकार के साथ जवाब दिया, और चौथा वह एक सार्वजनिक बयान दिया। आप पूछेंगे और लोग पूछ सकते हैं, क्या आज ऐसा प्रकाशन संभव है? क्या मेरे और आपके लिए वास्तविक और व्यक्तिगत रूप में यीशु को जानना उतना ही संभव है जितना पत्रस और शिष्यों के लिए संभव था? हमें दो महत्वपूर्ण बातें देखने की आवश्यकता है। सबसे पहले यीशु पत्रस पर बड़ाई के पुत्र के रूप में प्रकट नहीं हुआ, कुछ समय के लिए उसने उसे ऐसा जाना था, उस पर वह परमेश्वर का अनंत पुत्र के रूप में प्रकट हुआ था। इब्रानियों 13:8 में वचन कहता है, यीशु मसीह आज और कल और युगानुयुग एक सा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो इसमें भाषा या संस्कृति या वेशभूषा का सवाल नहीं है, परंतु यह यीशु के अनंत व्यक्ति का सवाल है। पत्रस ने अपने जीवन में शायद पहली बार इस बात का सामना किया था, उसे वास्तव में दर्शन मिला था कि यीशु कौन है। दूसरा, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशन दिया गया था, और बाइबल पवित्र आत्मा को अनंत आत्मा, समय रहित आत्मा कहता है। समय, फैशन, इतिहास, रिवाज, भाषा, ये सब पवित्र आत्मा को नहीं बदलते हैं। तो उन दो कारणों से
आपको और मुझे यीशु का यह सीधा और व्यक्तिगत प्रकाशन तुल्य रूप से संभव है, ठीक वैसे ही संभव है जैसे पत्रस के लिए था। सबसे पहले क्योंकि यह अनंत परमेश्वर का पुत्र है, और दूसरी बात क्योंकि यह शाश्वत आत्मा है जो उसे प्रकट करता है। अगले महत्वपूर्ण व्यवहारिक मुद्दे पर आते हैं, यदि आपने नींव रखी है तो कैसे आप उस पर बनाने जा रहे हैं। आपको याद है कि शुरुआत में प्रयुक्त सभी रूपक निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यवहारिक मुद्दा है। आप नींव पर कैसे निर्माण करते हैं, और मैं यीशु के एक दृष्टांत को देखना चाहता हूँ जो उसने मत्ती 7 में कहा एक बुद्धिमान व्यक्ति और मूर्ख मनुष्य के बारे में। दृष्टांत जिनमें से प्रत्येक ने घर बनाया परंतु उन्होंने इसे अलग अलग तरीकों से बनाया, मत्ती 7 पद 24 वचन से। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़े आई और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेह बरसा और बाढ़े आई और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी और वह गिरकर सत्यनाश हो गया। प्रत्येक सबसे पहले यह देखना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक घर की समान तरीके से जांच हुई, कोई भी जांच से नहीं बचा। एक घर पर जो आंधी लगी वही दूसरे पर भी लगी, और मैं आपको बताता हूँ कि मसीही जीवन आंधियों से मुक्त जीवन नहीं है। आप आंधियों में से गुजरेंगे। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि आप नहीं गुजरेंगे। वास्तव में पौलुस और बरनबास ने एक आरंभिक कलीसिया से कहा, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से पहले हमें भारी क्लेश में से होकर गुजरना पड़ेगा। यदि आप ऐसे मार्ग पर है जिसमें क्लेश नहीं है, तो ये सवालों के घेरे में है कि क्या परमेश्वर के राज्य की ओर ले जाता है। क्योंकि पौलुस ने यही तो कहा, हमें क्लेश में से होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। अभी इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए समय नहीं है कि हम क्या क्यों क्लेश में से होकर गुजरेंगे, परंतु मेरा विश्वास कीजिए इसमें परमेश्वर का एक उद्देश्य है। और यदि आप अभी इसमें से होकर गुजर रहे हैं तो हार मत मानिए, परमेश्वर आपके लिए चलेगा और अंत में आप पाएंगे कि उसने आप में कार्य किया और आपको ऐसी बातें सिखाई है जो आप अन्यथा नहीं सीख सकते थे। आपको मालूम है कि मुझे कैसे है मालूम है, व्यक्तिगत अनुभव से। मैं शायद ही कभी सिद्धांतों पर प्रचार करता हूँ। तो बुद्धिमान व्यक्ति ने कैसे बनाया, दो तरीकों से, यीशु के वचनों, बाइबल के वचनों को सुनने और करने से। तो आप उस नींव पर कैसे बना सकते हैं, ठीक उसी प्रकार बाइबल जो कुछ कहती है उसे सुनने और करने के द्वारा। केवल सुनने वाले ही मत बनिए, क्योंकि ऐसों के लिए बाइबल में कोई प्रतिज्ञा नहीं है, बल्कि सुनने और करने वालों के लिए है। यह व्यवहारिक है। यह अपने स्वयं के जीवन में बाइबल की शिक्षा को और यीशु की शिक्षा को लागू करना है, और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आप पाएंगे कि परमेश्वर लगातार आपके सामने नए मार्ग खोलता जाएगा जिसमें आपको सत्य को लागू करने की आवश्यकता होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 50 वर्षों से अधिक समय से मसीह रहा हूँ, परंतु परमेश्वर मुझे लगातार दिखाता जा रहा है कि कैसे उसके वचन को लागू करना है।
मेरे जीवन के नए क्षेत्र जिनमें मुझे इन्हें लागू करने की आवश्यकता है। मेरा निर्माण पूरा नहीं हुआ, यह बन रहा है, परंतु मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि यह कोई आंधियों से सफलतापूर्वक गुजरा है। अब लूका 6 अध्याय में यीशु का एक और दृष्टांत है जो काफ़ी कुछ इसी समान है, परंतु इसमें एक महत्वपूर्ण संयोजन है। लूका 6 अध्याय पद 46 से 49, पुनः यह यीशु है जो बात कर रहा है और वो कहता है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है यदि आप उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हो तो यीशु को प्रभु कहना व्यर्थ है, क्योंकि इस छोटे शब्द प्रभु का तात्पर्य है कोई ऐसा जिसकी बात माननी चाहिए। यीशु कहता है केवल मुंह से कहना व्यर्थ है। तब वह इस दृष्टांत में आगे कहता है, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान की नींव डाली और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बनाया था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नेव के घर बनाया, जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और सत्यनाश हो गया। अब लूका में एक महत्वपूर्ण विवरण जोड़ा गया है जो कि मत्ती में नहीं है। मालूम नहीं कि आपने कितनों ने इस पर ध्यान दिया है। वचन कहता है कि जिसे चट्टान पर पहुंचना था उसे गहरा खोदना पड़ा। नींव बनाने से पहले उसे बहुत कुछ हटाना था और शायद सबके साथ नहीं पर बहुतों के साथ यह सच है। अधिकांश के साथ जो एक नामधारी मसीही संस्कृति में पले बड़े हैं, नींव तक पहुंचने से पहले हमें कई बातों से छुटकारा पाने की आवश्यकता है। दूसरों को भी जो पूरी तरह गैर मसीह संस्कृति में पले बड़े हैं, उन्हें कई बातों को दूर करने की आवश्यकता भी होगी, परंतु वे अलग होंगी। और मैं आपको 5 बातें बताना चाहता हूँ जिन्हें हम खोदकर दूर करने की आवश्यकता है। पहला, परंपराएं है। अब सभी परंपराएं बुरी नहीं होती है, कुछ परंपराएं अच्छी होती है। हम सभी परंपराओं को ढेर करना नहीं चाहते, परंतु यीशु ने अपने समय के लोगों से कहा, तुम में अपनी परंपराओं के कारण परमेश्वर के वचन को व्यर्थ कर दिया है। आप ऐसी परंपराओं पर विश्वास कर रहे हैं और उनको मान रहे हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुरूप नहीं हैं। और मैं अपने अवलोकन के अनुसार कहता हूँ, यीशु यह बात आज के यहूदियों से कहता, अपनी परंपराओं के कारण तुमने परमेश्वर के वचन को व्यर्थ कर दिया है। परंतु केवल यहूदियों को ही नहीं देखे, मसीही पृष्ठभूमि में कई लोगों के साथ भी यह सत्य है। हम में ऐसी परंपराओं, शैलियों, काम, वचनों के विरासत में पाया है जो अनिवार्यता वचनानुसार नहीं है। इसलिए हमें जांच करने में वो बहुत ही सावधान होना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं कोई विशेष सलाह देने से बचूं, परंतु मैं कई सलाह दे सकता हूँ। तब दूसरी बात जो हमें दूर करती है वह पूर्वधारणा है। अब यहाँ कोई ऐसा नहीं होगा जिसके जीवन में कभी न कोई पूर्वग्राह्य न रहे हो। शायद आपने उनसे छुटकारा पा लिया हो, मुझे नहीं मालूम, परंतु सब प्रकार के पूर्वग्रह
होते हैं, जातीय पूर्वग्रह होते हैं। दुर्भाग्यवश आज संसार जातीय पूर्वग्रहों से भरा हुआ है और हम जानते हैं कि उदाहरण के लिए अफ्रीका जैसे देश जहां अद्भुत परिवर्तन हुए हैं, वहां जातीय पूर्व पुनर्ग्रह कलिसिया के भाग होने से दूर हुए हैं। एक अद्भुत विचार, परंतु यह केवल एकमात्र क्षेत्र नहीं है जहां जातीय पूर्वग्रह होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी तरह से जातीय पूर्वग्रहों से भरा रहा है और कई भाग अब भी है। और मैं एक ब्रिटिश पृष्ठभूमि से हूँ और मुझे कहना है ब्रिटिश लोगों ने के अपने पूर्वग्रह भी है। मैं उनमें से कईयों के साथ बड़ा हुआ। उनमें से छुटकारा पाने के लिए मुझे गहरी खुदाई करनी थी। मेरी अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि भारत से है। मेरे सभी पूर्वजों ने भारत में ब्रिटिश सेनाओं के साथ सेवा की है और मुझे याद है मैंने 12 वर्ष के रूप में एक दोपहर के भोजन में मासूमियता से कहा था, मैं क्यों दोपहर के भोजन के लिए एक भारतीय को आमंत्रित नहीं कर सकता। और इसकी प्रतिक्रिया मेरे परिवार में एक भयानक घटना थी। मैंने सोचा था कि इसका कारण क्या है। ठीक है, पर बाद में मुझे एहसास हुआ कि यह एक पूर्वग्रह है। मेरा विश्वास करो, मैं कई विभिन्न नस्लियों पृष्ठभूमि के अलग लोगों को देख रहा हूँ, लेकिन आप में से बहुत कम सभी नस्लीय पूर्वग्रहों से मुक्त है। तो फिर सांप्रदायिक पूर्वग्रह होते हैं। हम में से अधिकांश कुछ निश्चित वर्ग के लिए कुछ हद तक नकारात्मक तरीकों से प्रतिक्रिया देते हैं। मेरी पहली पत्नी जो परमेश्वर के साथ है वह डैनिश थी। वह डैनिश लूथरन कलिसिया में पढ़ी लिखी और बड़ी और तब उसमें कुछ ऐसा किया जो उनकी आंखों में भयानक था। उसे एक विश्वासी के रूप में बाप्तिस्मा दिया गया था जिसे डैनिश में जिंडेर कर दूसरी बार बाप्तिस्मा लेने वाला। उसके मामले में क्योंकि वह डेनिश राज्य स्तरीय स्कूल प्रणाली में एक शिक्षिका थी, वह संसद के सामने प्रस्तुत हुई कि उसे एक शिक्षिका के रूप में रहना है या नहीं। और मुझे कहना है कि मेरी पत्नी सच में अंतिम दिनों तक लूथरन कलिसिया के साथ लड़ाई लड़ती रही। मैं इसे सही साबित नहीं करता कि मुझे लगता है कि यह उसमें एक कमज़ोरी थी, लेकिन मैंने स्वयं जाना है जब मैं सांप्रदायिक विषय से संबंधित लोगों के बारे में सुनता हूँ बिना कभी उनसे मिले मैं उनके खिलाफ एक रवैया विकसित कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि ठीक है वे उस तरह गलत हो वे उस तरह गलत हो रहे हैं और वे इस स्थान पर गलत हो रहे हैं और न जाने क्या क्या। अनुभव ने मुझे सिखाया है यदि संभव हो तो जब तक आप व्यक्ति से मिल न ले कभी भी उनका न्याय न करें। क्योंकि मैं गलत सांप्रदायिक पृष्ठभूमि के लोगों से मिला हूँ जो उन सही लोगों में से कुछ थे जिन्हें मैं जानता हूँ, और कुछ जो सही पृष्ठभूमि से थे वे गलत थे। तो कृपया सांप्रदायिक पूर्वग्रह को काम करने न दे। और फिर सामाजिक पूर्वग्रह होते हैं। फिर से मैं किसी ऐसे व्यक्ति का उदाहरण हूँ जो सामाजिक पूर्वग्रह में पला है। मैं तो जानता भी नहीं था कि मैं पूर्वग्रहस्थ था, लेकिन मैं ब्रिटेन के ईटन में और तब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शिक्षित किया गया था और मुझे तो नहीं मालूम था कि बाकी दुनिया कैसे जीती थी। तब मैं ब्रिटिश सेना में चुन लिया गया। मैं ऐसे लोगों के साथ था
जिनके साथ मैं कभी नहीं रहा था, और मुझे एहसास होना शुरू हुआ कि अपने ब्रिटिश लोगों के बारे में मेरा ज्ञान कैसे सीमित था, परंतु इस बात ने मुझे बहुत से सामाजिक पूर्वग्रहों से शुद्ध किया। अधिकारियों के परिवार का होने के कारण उस स्तर पर मैंने कुछ सीखा। जब आप समान स्तर पर के लोगों को देखते हैं तो वे एक प्रकार के दिखते हैं, परंतु जब आप उन लोगों को नीचे से देखते हैं तो वे एक तरह से दिखते हैं। मैंने हमेशा से कहने का प्रयास किया है, परमेश्वर, जो लोग मुझे नीचे से देखते हैं उन्हें मैं कैसा दिखता हूँ। तो कई प्रकार के पूर्वग्रह होते हैं, व्यक्तिगत पूर्वग्रह होते हैं। कुछ लोग जोर से बोलने वालों को पसंद नहीं करते हैं, कुछ लोग लाल बाल वालों को पसंद नहीं करते हैं। हम सबके कई मूर्खतापूर्ण व्यक्तिगत पूर्वग्रह होते हैं। जो लोग सेब चबाते हैं उनके प्रति मेरा एक पूर्वग्रह है। मैं सच में इस पर लड़ता हूँ, परंतु यह पृष्ठभूमि में अब भी है, क्योंकि मुझे वह आवाज़ पसंद नहीं है। इससे परे जाने पर ऐसा पूर्व धारणाएँ वाले लोग होते हैं जो बहुत ही गलत विचार रखते हैं कि यीशु कौन है। नम्र यीशु, नम्र और दयालु क्रिसमस पार्टी में दिखने वाला यीशु वो वास्तविक यीशु नहीं है। एक बात बहुत ही भिन्न प्रकार का व्यक्ति था। हमारे पूर्वग्रहों और पूर्व धारणाओं को दूर करने के लिए संवेदनशील व्यक्ति, और बहुत से तरीके होते हैं जिनमें हम पूर्व धारणा रख सकते हैं। इस बात की पूर्ण धारणा की मसीही होना क्या होता है। अपनी पृष्ठभूमि में बढ़ते हुए मैंने सोचा कि ठीक है, यदि मुझे मसीह होना था तो यह मेरे शेष जीवन के लिए दुखदायी होता, और पैट बून के समान मैंने सोचा पृथ्वी पर 70 वर्ष का क्लेश स्वर्ग के लिए उचित नहीं है। अतः मैंने मसीह की संभावना को पूरी तरह त्याग दिया, जब तक कि मैं मसीह से ही न मिला। तो फिर कुछ और है जो कि बहुत बहुत खतरनाक है, यह अविश्वास। कभी कभी जब मैं सिखाने जा रहा हूँ तो मैं अपने साथ सभी लोगों को खुद अविश्वास त्याग करने के लिए एक साथ इकट्ठा करने के साथ शुरू करूँगा, क्योंकि हम में से कई अभी भी विभिन्न क्षेत्रों में अविश्वास से घिरे रहे हैं। हमारे मन विश्वास करने के लिए वास्तव में खुले नहीं हैं। और अंत में मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण ये विद्रोह, आप कहेंगे ठीक है भाई प्रिंस, मैं एक विद्रोही नहीं हूँ। ओ हाँ, आप है, और अगर आपने यह खोज नहीं की है तो आप भी दंग रहेंगे। आप देखिए, मैं इस के धर्म विज्ञान में जाने के लिए नहीं चाहता हूँ, लेकिन आदम का हर एक वंशज अंदर एक विद्रोही आत्मा के साथ पैदा हुआ है, और हमें उस विद्रोह को पहचानना और उससे निपटना ही सही है। वह उसे चर्च नहीं भेजता है, वह उसे सुनहरा नियम नहीं सिखाता है, वह उसे शास्त्र याद रखने के लिए नहीं कहता है, वह उसे मौत देता है। लेकिन परमेश्वर की दया है कि निष्पादन लगभग 2000 वर्ष पूर्व संपन्न हुआ, जब क्रूस पर यीशु की मृत्यु हुई। हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था। हमें उस स्थान पर आना है जहाँ हम अपने अंदर के उस विद्रोह की पहचान करें और हम स्वेच्छा से निष्पादन करने के लिए समर्पित हो जाए। अब मैं बाइबल पर आता हूँ, क्योंकि यह मसीह जीवन में किसी अन्य बात के
समान बहुत महत्वपूर्ण हैं। बाइबल के प्रति आपका रवैया क्या है? क्या आपका रवैया वही है जो यीशु का है? मैं सिर्फ यूहन्ना 10:35 निकालना चाहता हूँ। मैं इसके संदर्भ में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ऐसा करने में काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन यीशु ने कहा, यदि उसने उन्हें परमेश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुँचा और पवित्र शास्त्र की बातें लोप नहीं हो सकती। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है क्योंकि इसमें यीशु बाइबल के लिए दो मुख्य नामों का उपयोग करता है, परमेश्वर का वचन और धर्मशास्त्र। अब जब यह बाइबल को परमेश्वर का वचन कहता है तो इसका तात्पर्य है कि यह परमेश्वर से निकलता है, यह मनुष्य से नहीं निकलता है। हो सकता है यह मनुष्य के माध्यम से आया, परंतु यह ऐसा वचन है जो परमेश्वर से निकलता है। धर्मशास्त्र शब्द एक सीमित शब्द है। इसका अर्थ है जो कुछ लिखा गया है। परमेश्वर ने कई चीज़ें कही है जो लेखनी में नहीं उतारी गई है, लेकिन ईश्वरीय प्रेरणा के द्वारा वे बातें बाइबल में हैं जो परमेश्वर ने कही और परमेश्वर को लगा कि लिखा जाना आवश्यक है, और यही धर्मशास्त्र है। इसका मतलब है कि जो लिखा गया है, और उस विषय में यीशु ने एक सरल व्यापक बयान दिया, पवित्र शास्त्र की बातें लोप नहीं हो सकती। अगर आप जितना चाहे बाइबल की प्रेरणा या बाइबल के अधिकार के बारे में विवाद कर सकते हैं, लेकिन यीशु ने यह शब्द कह दिया है, यह लोप नहीं किया जा सकता। यह बिल्कुल आधारिक है, यह बिल्कुल आधिकारिक है, यह पूरी तरह से पूरा होगा। जो कुछ इसमें है वह सब पूरा होगा। आप इसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, आप इसका इनकार कर सकते हैं, लेकिन आप इसे लोप नहीं कर सकते। धर्मशास्त्र को लोप नहीं किया जा सकता है। मुझे लगता है कि हमें इसे एक बार एक साथ कहना चाहिए, धर्मशास्त्र को लोप नहीं किया जा सकता। अब मुड़िए और अपने बगल वाले व्यक्ति की ओर देखिए और उस व्यक्ति से यह कहिए, ठीक उनकी आंखों में देखकर, धर्मशास्त्र का लोप नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब सही है। आप देखें, उच्च आलोचन नामक एक बात है जो धर्मशास्त्र को हर प्रकार के हास्यास्पद कल्पनाओं के अधीन करता है और अंततः उसे पूरी तरह से अप्रभावी पुस्तक बनाकर रख देगा। यदि शैतान आपके और मेरे जीवन में कोई काम करना चाहता है तो यह बाइबल के अधिकार और सटीकता में हमारे विश्वास को कमज़ोर करना है। परंतु यदि हम यीशु की तरह है तो हम बस यह कहेंगे कि धर्मशास्त्र को लोप नहीं किया जा सकता। शैतान, क्या तुमने मुझे सुना? धर्मशास्त्र को लोप नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब अगली बात जो कहना चाहता हूँ वो परमेश्वर का वचन बाइबल मात्र नहीं है, परंतु यीशु स्वयं परमेश्वर का वचन है। यह यूहन्ना के सुसमाचार में दो स्थानों पर आता है। यूहन्ना 1:1 में परिचित पद, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यह यीशु को दर्शाता है, वह वचन था, वह वचन है। और तब यूहन्ना 1:14 में वचन कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। जब यीशु का जन्म हुआ तो तब वास्तव में वो मौसम नहीं था जिसमें आज हम क्रिसमस मनाते हैं। मौसम जब वचन देहधारी हुआ,
लेकिन वह हमेशा वचन था, अनंत रूप से वह परमेश्वर के साथ वचन था। और जब वो वापस आता है तब आप जानते हैं वो कैसे वापस आ रहा है। क्या आप जानते हैं कि उसका नाम क्या होगा? मैं आपको बता दूं, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय पद 11, 12 और 13। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है, और उसका एक नाम लिखा है जिस उसको छोड़कर और कोई जानता, और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। तो वह हमेशा से वचन था, अब भी वचन है और वचन रहेगा। और यह कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रकट करता हूँ, यीशु और बाइबल के बीच पूरा समझौता है। एक और आपकी रुख अन्य की ओर आपका रवैया, यह नहीं हो सकता कि आप यीशु में विश्वास करें और बाइबल में विश्वास न करें। क्या आपने इस तथ्य को अवशोषित कर दिया है? क्योंकि यीशु परमेश्वर का वचन है, वह देहधारी वचन है, बाइबल धर्मशास्त्र लेखन में वचन है। अवश्य ही एक के प्रति आपका रवैया ही दूसरे के प्रति आपका रवैया होगा, दोनों के बीच पूर्ण समझौता है। और अब जबकि मैं अंत के निकट आ रहा हूँ, मैं परमेश्वर के वचन के बारे में और उसके प्रति आपके संबंध के बारे में 5 महत्वपूर्ण तथ्यों को बताना चाहता हूँ जो यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय में समाहित है। केवल 3 पद। यीशु एक मायने में अपने शिष्यों से विदाई ले रहा है, वह उन्हें चेतावनी दे रहा है कि और वे थोड़ी देर के लिए अपने दम पर छोड़ दिए गए, और यह चेलों के लिए एक बहुत ही दर्दनाक समय है। इस प्रकाशन से वे अभिभूत हो गए, लेकिन इसके बीच में यीशु सुंदर प्रकाशन देता है कि विश्वासियों के रूप में हमारे लिए बाइबल का मतलब यह चाहिए। यूहन्ना 14 पद 19 में वह कहता है, और थोड़ी देर रह गई है कि संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे। तो वह यीशु ने संसार, वे जो यीशु को स्वीकार नहीं करते और अपने शिष्यों के मध्य एक अंतर बनाया। उसने कहा कि संसार मुझे न देखेगा परंतु शिष्यगण मुझे देखेंगे। और तब यहूदा इस्करियोत नहीं परंतु दूसरे यहूदा ने पद 22 में उसको एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न पूछा। उस यहूदा ने जो इस्करियोती न था, उसने कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट किया चाहता है और संसार पर नहीं? उसने इसलिए यह कहा क्योंकि यीशु ने कहा कि संसार मुझे न देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे। उसका प्रश्न था कि तुम किस प्रकार अपने आप को हम पर प्रकट करोगे और संसार पर नहीं। अब यीशु ने जो उत्तर दिया वो पूरा का पूरा सत्य से भरा हुआ था। यीशु ने उसको उत्तर दिया पद 23 में, यदि आप कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। मैं आपको यीशु के जवाब में 5 महत्वपूर्ण तथ्य बताना चाहता हूँ। सबसे पहले यीशु ने कहा कि वह संसार पर नहीं परंतु अपने चेलों पर खुद प्रकट करेगा। चेलों और दुनिया के बीच भेद का चिन्ह क्या है?
जवाब है परमेश्वर का वचन मानना। सच्चे चेहरे यीशु के वचन मानते हैं और वे सांप्रदायिक लेवल द्वारा चिन्हित किए जाते हैं। वे इस बात के द्वारा चिन्हित होते हैं कि वे किस प्रकार वचन से संबंधित होते हैं। यही तो आपको बनाता है या अन्यथा आपको एक सच्चे शिष्य होने से रोकता है। यह परमेश्वर के वचन से आपका संबंध है। परमेश्वर का वचन मानना चेलों को दुनिया से अलग करता है। और यहाँ हम इस सुबह हम में से हर एक इनको श्रेणियों में एक या दूसरी में अगर हम चेले हैं तो हम परमेश्वर का वचन मानते हैं। यदि हम वचन को नहीं मानते हैं तो हम दुनिया से संबंधित है वह संसार जो यीशु की प्रभुता के अधीन नहीं है। और फिर दूसरा सच यह है जो यीशु ने कहा, यदि कोई मुझसे प्यार करता है मेरे वचन मानेगा। तो परमेश्वर का वचन मानना परमेश्वर के लिए शिष्य के प्रेम को की सर्वोच्च परीक्षा है। प्रेम आज्ञाकारिता के लिए प्रेरणा है। यह समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विश्वासियों के रूप में हम डर से प्रेरित नहीं होते, हम प्यार से प्रेरित होते हैं। एक निश्चित अर्थ में व्यवस्था ने प्रेरणा के डर का इस्तेमाल किया, यदि तुम यह करोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा। परंतु इससे काम नहीं चलता है। मैंने काफ़ी सारे बच्चों का पालन पोषण में सहायता की है आप में से कुछ लोग विश्वास नहीं करेंगे कि कितनों की सहायता की है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा। और मैंने पाया है कि जब वे आपके नियंत्रण में रहते हैं तो आप उन्हें भय के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं, परंतु एक बार जब वे आपसे दूर चले जाते हैं तो यदि वे भय से प्रेरित है तो वे बदल जाएंगे। एकमात्र प्रेरणा जो उन्हें वफादार और विश्वस्त रखती है वह है प्रेम। और परमेश्वर और यीशु बुद्धिमान थे कि उन्होंने भय पर नहीं बनाया परंतु प्रेम पर बनाया है। तो परमेश्वर के प्रति चेलों के प्रेम का सर्वोच्च जांच परमेश्वर के वचन को मानना है। यदि कोई मुझे प्रेम रखता है तो मेरे वचनों को मानेगा, और प्रेम आज्ञा पालन के लिए प्रेरणा है। और तब वह कहता है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो वह मेरे वचनों को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। अर्थात यह एक और अद्भुत तथ्य है। परमेश्वर के वचन को मानने के कारण परमेश्वर पिता हमसे विशेष प्यार करता है। अब परमेश्वर ने एक निश्चित रीति से संपूर्ण संसार से प्रेम किया है, परंतु परमेश्वर यीशु के सच्चे शिष्यों के लिए वे जो उसके वचन को मानते हैं बहुत ही भिन्न कोण रखता है। और तब वह प्रश्न है जो यहूदा ने पूछा, तू किस प्रकार हम पर अपनी महिमा प्रकट करेगा और संसार पर नहीं? और यीशु का उत्तर था, यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो वह मेरे वचनों को मानेगा। तो कैसे मसीह हम पर स्वयं को प्रकट करता है? वचन के द्वारा। यह परमेश्वर के वचन के द्वारा ही यीशु और अधिक जाने जाते हैं। हम शायद कुछ अद्भुत आत्मिक अनुभव पा सकते हैं, हम तीसरे स्वर तक उठा लिए जा सकते हैं या चाहे कुछ भी, परंतु अधिकांश लोगों के साथ यह नहीं होता। और यह मूल तरीका नहीं है जिसके द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है और यीशु अपने आप को प्रकट करता है। यह परमेश्वर के वचन को मानने के द्वारा होता है। और फिर अंत में, और यह एक आश्चर्यजनक बयान है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ अपना घर बनाएंगे।
बाइबल में कम ही जगह है जहाँ परमेश्वर के बारे में बहुवचन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह उनमें से एक है। यीशु कहते हैं, हम मेरे पिता और मैं उसके पास आया करेंगे और उसके साथ वास किया करेंगे। यह एक लुभावना कथन है, एक अद्भुत प्रकाशन है कि पिता परमेश्वर और पुत्र आकर हमारे साथ अपना निवास बनाना चाहता है। वह हमें अपना व्यक्तिगत निवास बनाना चाहता है, परंतु यह कैसे होगा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। यदि हम वचन के प्रेमी नहीं हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ अपना वासस्थान नहीं बनाएगा। और इसलिए आज सुबह समाप्त करते हुए मुझे ये कहना है कि यह बहुत ही गंभीर विचार है। जितना आप परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं, उससे अधिक परमेश्वर से प्यार नहीं करते हैं। तो अगर आप जानना चाहें कि आप वास्तव में परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर का क्या स्थान है, तो आप जान सकते हैं। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में आपको अनुमान लगाने की ज़रूरत है। आप बस अपने आप से पूछिए, मैं बाइबल से कितना प्यार करता हूँ, मेरे जीवन में बाइबल कितनी जगह रखती है। क्योंकि जितना अधिक मैं परमेश्वर से प्रेम करूँगा, उतना ही अपने जीवन में मैं परमेश्वर को स्थान दूँगा। मुझे बाइबल के बारे में उन 5 कथनों का सार बताने दीजिए, क्योंकि वे महत्वपूर्ण हैं। देखिए, कई सारे मसीह एक प्रकार के धुंधले अंधकार में रहते हैं। उन्हें सच में नहीं मालूम कि प्रकाश क्या है और अंधेरा क्या है। वे आशा करते हैं कि और उम्मीद करते हैं, परंतु वे सुनिश्चित नहीं है। और उसका कारण है कि उन्होंने अपने जीवनों में परमेश्वर के वचन को उसका सही स्थान नहीं दिया है। तो मुझे उन 5 बातों को कहने दे और समाप्त करने दे। सबसे पहले, परमेश्वर के वचन को मानना सच्चे चेलों को दुनिया से अलग करता है। दूसरा, परमेश्वर के वचन को मानना परमेश्वर के लिए शिष्यों के प्रेम की सर्वोच्च परीक्षा है। आज्ञाकारिता की हमारी प्रेरणा डर नहीं, प्यार है। तीसरा, परमेश्वर के वचन को मानना शिष्य के लिए परमेश्वर के प्रेम का सर्वोच्च कारण है। परमेश्वर शिष्यों से एक विशेष तरीके से प्यार करता है। वह सारी दुनिया से प्यार करता है, लेकिन वह शिष्य के लिए एक विशेष प्यार रखता है। जिनसे वह चेलों के रूप में प्यार करता है, वे है जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं। यदि आप विशेष रूप से परमेश्वर का प्रिय बनना चाहते हो, तो आपको उसका वचन मानना होगा। चौथा, परमेश्वर के वचन के द्वारा जानने और मानने से मसीह हम पर स्वयं को प्रकट करता है, न कि संसार पर। सवाल यह था कि मैं आप किस प्रकार से हम पर अपने आप को प्रकट करेंगे और संसार पर नहीं। यीशु ने कहा, अगर तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरे वचनों को मानोगे। इसी प्रकार से मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। और अंत में, परमेश्वर के वचन के द्वारा पिता और पुत्र हम में वास करने आएंगे। क्या यह एक अद्भुत विचार नहीं है? यह मेरी सांस रोक देती है। परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र हमारे साथ अपना निवास स्थान बनाना चाहते हैं, लेकिन वे तभी यह करेंगे जब हम उसके वचनों को मानेंगे। मुझे हम सब के लिए प्रार्थना करने के साथ बंद करने दे। स्वर्गीय पिता, हम आपको अपने वचन बाइबल के लिए धन्यवाद देते हैं। निश्चित, आधिकारिक, अचूक वचन, जो कि हमारे पैरों के लिए एक चिराग और हमारे पथ के लिए एक प्रकाश है। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, सब लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं और सब लोग जो अंततः किसी भी तरह से इस संदेश से प्रभावित हुए हैं, कि आप हमें अपने वचन का प्रेमी बनाएं।
कि आप अपनी कृपा से हमें अपने वचन बाइबल को अपने जीवन में उसका सही स्थान देने योग्य बनाए कि हम सही मायने में प्रभु यीशु के चेले बने। उसके नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।